वो क्या प्रोजेक्ट किया लोग? शहीदों ने लौ जगाई जो वो यहां तक रोशनी लाई, मौत अपनाई शहीदों ने, मुल्क ने तब जिंदगी पाई। शहीदों ने लौ जगाई जो यहाँ तक रोशनी लाई, मौत अपनाई शहीदों ने, मुल्क ने तब जिंदगी पाई। नाज करता उन पे ये उनका वतन, कर रहे हैं आज सब उनको नमन। जिनके बलिदानों की गाथा याद है, जिनके दम पे मुल्क ये आजाद है। शहीदों ने लौ जगाई जो वो यहाँ तक रोशनी लाई, मौत अपनाई शहीदों ने, मुल्क ने तब जिंदगी पाई। नमन है उनको शहीदाने वतन, अपने बलिदानों से ऐसा कर गए। जी सके ये मुल्क ये हिंदुस्तान, जी सके हम इसके खातिर मर गए। शहीदों ने लौ जगाई जो वो यहाँ तक रोशनी लाई, मौत अपनाई शहीदों ने, मुल्क ने तब जिंदगी पाई। शहीदों ने लौ जगाई जो ये वो शब्द है जिसने एक समय पर हर भारतीय के दिल में क्रांति की मशाल जला दी। वो जयघोष जिसने अंग्रेजी शासकों को देश छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। ये जयघोष था उन महान देशभक्तों का जिन्होंने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की वेदी पर न्यौछावर कर दिया। उन क्रांतिकारियों की फहरिस्त में कई नाम ऐसे भी थे जो समय की धूल में छिपकर कहीं खो गए। हमारी ये कहानी ऐसे ही कुछ बलिदानी युवकों की है जिन्होंने अपना पूरा जीवन हंसते हंसते मातृभूमि के लिए निछावर कर दिया। ये जानते थे कि ये कल का सूरज नहीं देख पाएंगे, पर फिर भी आजादी के ये दीवाने जश्न मनाते हुए इस संसार से विदा हुए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब देखो तो शोर शराबा अल्लाह गुल्ला, ये क्या गा रहे हो तुम लोग? मेरे साथ गाओ। गॉड से तो के चलो लाइन में खड़े हो जाओ, अभी साहब आ रहे हैं हमारा मुआयना करने के लिए। साहब लोग, तुम लोगों को जो भी कुछ समझाया जरा ठीक से ध्यान से समझ जाओ। साहब आ गए। नंबर 212 कौन है? मैं हूँ। नहीं, नाम बताओ। अहमद फारसी। नंबर 214 कौन है? मैं हूँ सुब्रमण्यम अय्यर। नंबर 312 कौन है? मैं हूँ अमरीक सिंह पंजाबी। नंबर 417 कौन है? मैं हूँ मनमतनाथ गुप्त। नंबर 315 कौन है? मैं हूँ रमा शंकर दुबे। नंबर 216 कौन है? मैं हूँ रोशन लाल। हुजूर, मैंने बराबर जांच पड़ताल कर ली है, सब बराबर है, इनमें से कोई कम नहीं है। ओके ओके गुड। ऑलराइट। ओ या तुम इधर आओ।
तुम्हारा नाम क्या है? अहमद फारसी। इन सब लोगों में से तुम सबसे समझदार लगता है। तुम अगर चाहो हम तुम्हें माफी दे सकता है, पर इसके लिए तुम्हें भारत सरकार का मदद करना पड़ेगा। जो चल गया तीर है। इस आजादी से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम जैसे गैर हिंदुओं को इस देश से निकाल देगा, फिर तुम क्या करेगा? तुम अभी भी हमारा बात मानो, हम तुम्हारे फांसी का सजा माफ करा देगा और तुम्हें माला माल कर देगा। बोलो क्या बोलता है? जब तिलाई रंग सिक्कों को नचाया जाएगा, जब मेरी गैरत को दौलत से लड़ाया जाएगा, जब रगे फ्लास को मेरी दबाया जाएगा, ऐ वतन उस वक्त भी मैं तेरे नगमे गाऊंगा, तेरे नगमे गाऊंगा और सूली पे चढ़ जाऊंगा। मेरी जान न रहे, मेरा सर न रहे, सामान न रहे, न ये सांस रहे, बस हिंद मेरा आजाद रहे, मेरी माता के सर पर ताज रहे, मेरी जान न रहे, मेरा सर न रहे, सामान न रहे, न ये सांस रहे, बस हिंद मेरा आजाद रहे, मेरी माता के सर पर ताज रहे, एक हिंदू मुसलमान एक रहे, भाई भाई का रिवाज रहे, घी दूध की नदियां बहती रहे, हर सो आनंद स्वराज रहे, बस हिंद मेरा आजाद रहे, मेरी माता के सर पर ताज रहे, मेरी जान रहे, मेरा सर। साला हमेशा गाना ही गाता रहता है, तुम्हें इसे उगत फांसी पे चढ़ाएगा, फिर देखना तुम कैसे गाना गाएगा। सिपाही ले चलो, देखते रहे जो बले सोने हो। फांसी लगा दिया। हाँ उसके लिए ये तो कर ही दो भाई काम।